भागता हुआ चिदंबरम, सीबीआई और ईडी भ्रष्ट पूर्व वित्त और गृह मंत्री की खोज कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एनएक्स मीडिया रिश्वत मामले में जमानत याचिका खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को पूर्व वित्त और गृह मंत्री पलानीसामी चिदंबरम को कोई राहत नहीं दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहत से इनकार किए जाने के तुरंत बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने चिदंबरम को गिरफ्तार करने की कवायद में जोरबाग स्थित उनके घर सहित तमाम जगहों पर खोज शुरू कर दी। मार्च 2018 से चिदंबरम अंतिम संरक्षण का आनंद ले रहे हैं और मंगलवार दोपहर को बड़ा झटका लगा क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया घोटाले में उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया। जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी के लिए उनकी गिरफ्तारी हेतु मार्ग प्रशस्त कर दिया। पूर्व मंत्री उच्च न्यायालय के नकारात्मक आदेश आने की स्थिति से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय से संपर्क करने के लिए पूरे दिन न्यायालय परिसर के अंदर रहे। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और कालेधन को वैध बनाने के मामले में प्रथम दृष्टया मुख्य सरगना था और केवल इसलिए कि वह संसद सदस्य है उसे गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने का औचित्य नहीं होगा। एक प्रभावी जांच के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री की हिरासती पूछताछ की आवश्यकता थी, यह कहते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज को गलत संदेश जाएगा। न्यायमूर्ति सुनील गौर, जो गुरुवार को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ने कहा कि यह अदालत इस संवेदनशील मामले को यूं ही समाप्त करने की अनुमति नहीं दे सकती है, जैसा कि कुछ अन्य हाई प्रोफाइल मामलों में हुआ है। मामले के तथ्य प्रथम दृष्टया पता चलता है कि याचिकाकर्ता मुख्य सरगना है, यानी इस मामले में महत्वपूर्ण साजिश करता है। न्यायाधीश ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को विचाराधीन अपराध में कानूनी बाधाएं डालकर अप्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक कालेधन को वैध बनाने का उत्कृष्ट मामला था और दो तथ्य जो गिरफ्तारी के पहले जमानत नकारने के मुख्य कारण है वह यह है कि अपराध की गंभीरता और इस अदालत द्वारा दिए गए रक्षात्मक आवरण के समय पूछे गए सवालों के दिए गए टालने वाले जवाब। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए रजिस्ट्री से पहले सभी कांग्रेस वकील मौजूद थे। हालांकि शीर्ष अदालत ने चिदंबरम से इस मामले को वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष बुधवार सुबह को उल्लेखित करने का कहकर कोई राहत न देने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा, यह नहीं भुलाया जा सकता कि याचिकाकर्ता चिदंबरम प्रासंगिक समय में वित्त मंत्री थे और उन्होंने 305 करोड़ रुपए की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को एफडीआई की मंजूरी दी थी। न्यायमूर्ति गौर ने कहा, केवल इसलिए कि वह संसद सदस्य है उन्हें गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने का औचित्य नहीं होगा। इस अपराध का परिमाण याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए इस अदालत को खारिज कर देता है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण है कि याचिकाकर्ता का अभियोग निराधार, राजनीति से प्रेरित और प्रतिशोध की कार्रवाई है। अपराधियों को बेनकाब किया जाना चाहिए, चाहे उनकी स्थिति कोई भी हो। उन्होंने कहा कि यह अदालत की एक प्रथम दृष्टया राय है कि प्रभावी जांच के लिए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। 24 पुस्तक के फैसले में कहा गया है कि इस मामले में किए गए अपराध की गंभीरता गिरफ्तारी पूर्व की जमानत को गलत ठहराती है और यह प्रथम दृष्टया राय है कि यह उसे राहत देने के लिए उचित मामला नहीं था। आदेश में कहा गया, आर्थिक अपराधों में अलग एक वर्ग बनता है और जमानत के मामलों में एक अलग दृष्टिकोण के साथ क्रियान्वयन की आवश्यकता है। साजिश के कोण के विशाल परिणाम को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को अर्हता प्राप्त करने के लिए यह एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जल्दबाजी होगी कि धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA का प्रावधान तत्काल मामले पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यह कहा नहीं जा सकता है कि इस मामले में शामिल राशि 30 लाख रुपए से कम है। आईएनएक्स मीडिया घोटाले में शामिल कालेधन को वैध बनाना 305 करोड़ रुपए और एसएल मैक्सेस घोटाला 3500 करोड़ रुपए का है। अदालत ने पाया कि इस तरह के विशाल पैमाने के आर्थिक अपराधों को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाता है। इस मामले में प्रतिष्ठित संस्थाओं, विभिन्न लेन देन आदि के संबंध में रिकॉर्ड पर रखी गई भारी सामग्री के मद्देनजर इस अदालत ने बिना किसी विरोध के यह स्वीकार किया कि जमानत याचिका स्वीकार नहीं है। यह भी कहा, सीबीआई ने 15 मई 2017 को प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की थी, जिसमें वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपए की विदेशी धन
प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड एफआईपीबी की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। इसके बाद ईडी ने 2018 में इस संबंध में काले धन को वैध बनाने का मामला दर्ज किया। इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ती को फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया था। 2007 में आईएनएक्स मीडिया टीवी चैनल के मालिक पीटर और इंद्राणी को विदेशी निवेश के रूप में सिर्फ 5 करोड़ रुपए लाने के लिए एफआईपीबी की मंजूरी मिली, लेकिन वे अवैध रूप से 305 करोड़ रुपए लेकर आए और 2008 में आयकर विभाग आईटी द्वारा पकड़े गए। जब उन्हें आयकर विभाग से नोटिस मिला तो इंद्राणी और पीटर ने तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम से संपर्क किया। इंद्राणी ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा कि चिदंबरम ने उसे आयकर अभियोजन से बचाने का वादा किया और इस सिफारिश की कि वह कार्तिक को 5 करोड़ रुपए दे दे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पाया कि यह रिश्वत का पैसा कार्तिक के 2 विवादास्पद फर्मों एडवांटेज स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग और चेस मैनेजमेंट सर्विसेज में लगाया गया था। रिश्वत लेने के बाद एफआईपीबी की अगुवाई करने वाले चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया को एक अवैध क्रियान्वयन पूर्व मंजूरी दी और अवैध रूप से 305 करोड़ रुपए कर आश्रयों टैक्स हेवन से प्राप्त करने के लिए आयकर अभियोजन को अवरुद्ध कर दिया। ईडी के जांच अधिकारी राजेश्वर सिंह ने दिसंबर 2014 में एयरसेल मैक्सिस जांच के संबंध में चिदंबरम के घर और कार्तिक के फर्मों पर छापे मारने के बाद आईएनएक्स मीडिया रिश्वत मामले का खुलासा किया था। ईडी और आयकर विभाग की संयुक्त जांच ने चिदंबरम परिवार के 14 देशों में अवैध संपत्ति और 21 विदेशी बैंक खातों का भी खुलासा किया था। ईडी ने आईएनएक्स मीडिया मामले के संबंध में पहले से दिल्ली, ऊटी, चेन्नई, लंदन और स्पेन में कार्ति और उसकी कंपनियों के 54 करोड़ रुपए के संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। इस बीच सह आरोपी इंद्राणी पहले ही चिदंबरम और उसके बेटे को रिश्वत देने के लिए एक स्वीकारोक्ति दे चुकी है। We'll be right back.